बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा, कहा फर्जी मुकदमे में सजा हुई। चार दिन पहले जौनपुर से बरेली लाते समय मिली थी जमानत। बाहुबली धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बुधवार को जेल से निकलते ही उन्होंने कहा, फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी, हाईकोर्ट ने मुझे बेल दी है। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सीधे अपने क्षेत्र में प्रचार करने जाऊंगा। चार दिन पहले उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। उसी दिन धनंजय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी थी। दरअसल कोर्ट का ये फैसला तब आया जब जौनपुर पुलिस धनंजय को लेकर बरेली के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में ही थे तभी उनकी जमानत की खबर आ गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने धनंजय की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। धनंजय को इंजीनियर अभिनव सिंगल के अपहरण रंगदारी मामले में MP MLA कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में धनंजय और उनके साथियों के खिलाफ रंगदारी अपहरण की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। इंजीनियर ने कहा था कि धनंजय अपने साथी विक्रम के साथ पिस्टल लेकर आए और जबरन रंगदारी मांगी। पहले बात करें यार। अरे आने दो, आने दो, अरे आने दो, आने दो, अरे आगे आने दो, थोड़ा आगे आने दो, आगे अरे आगे से भी आप आगे भाई रुक तो जाओ, उनको आने दो, बोल दीजिए। अरे आगे सर हटिए, धनंजय जी आज जेल से। अरे आगे सर हटिए, कौन है आप? अरे आप हट जाओ ना, आप आगे से हट जाओ। अरे आप आगे से हटो, आप हाथ क्यों लगा रहे हो? आप हट जाओ ना, यार हटो यार, आगे से हटो। धनंजय जी अरे आगे हटो, इससे बिहार हो रहा है क्या? अरे आगे से हटो, आप लोग तो हटो, आप लोग हटो, क्या बोलेंगे? इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए मुकदमे में सजा हुई थी।